हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सुभ्रा सिन्हा ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जाने का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से पूरियाँ बना रही हूँ। और देखिए आज मैंने ट्राइंगल शेप की पूरी बनाई है क्योंकि ना ये जल्दी ही ईजी बन जाता है। रोटी बना के 4 टुकड़ों में काट लो, जब भी आपको जल्दी होना इस ट्रिक को ट्राई करना, बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पर मैंने सफ़र के लिए भिंडी का भुंजिया बनाया है, आलू सोयाबीन की सब्जी और रोटी इनके लिए बनाकर रख दी ताकि इनको दूसरे दिन सुबह में ब्रेकफास्ट बनाना ना पड़े। और जल्दी जल्दी से यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लेकर सफर के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और यहाँ पर हस्बैंड लगेज जो है ना गाड़ी में रख रहे थे और लगेज कुछ ज्यादा ही हो गया था। पता नहीं कैसे मेरा सामान हमेशा इतना ज्यादा हो जाता है। मेरे घर में सब मेरे सामान रखने की आदत से ना बहुत परेशान है, बोलते पहनती एक हो लाती 10 हो तुम। तो मैं कितना भी ट्राई कर लेती हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरा लगेज कम ही नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। जी हाँ, यहीं से मेरा ट्रेन है और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ट्रेन एग्जैक्ट राइट टाइम पर आ चुकी थी। रात में 11:20 को हमारी ट्रेन खुलनी थी तो 11 बजे तक हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे और यहाँ पर हम लोग चढ़ चुके हैं अपने ट्रेन में। और आज हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाले थे फर्स्ट एसी से। यहाँ पर हस्बैंड चादर वगैरह बिछा रहे थे क्योंकि हम लोगों को मिल गया था, तो ये बोले बिछा देते हैं, आराम से लेट के तुम लोग चले जाना। सो गाइज हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में और हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं फर्स्ट एसी से। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं अपने मम्मी के पास। ये मेरा है, यानी कि आराध्या अपने नानी के यहाँ जा रही है और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं। वैसे तो मम्मी आई थी ना कुछ दिन पहले, लेकिन हम कभी सोचे नहीं थे कि दुर्गा पूजा में हम घर जा पाएंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब ये थोड़ा सा हो गया ना, थोड़ा सा 70% खुशी है ना, तो 30% दुख भी है कि इनको छोड़ करके जाना पड़ रहा है पूजा में। लेकिन ये बोली कि जाओ तुम लोग इंजॉय करके आओ। तो बस अभी हम लोग को ये बिठा दिए हैं और ये गए हैं आयु को वॉशरूम कराने के लिए। और इसको देखिए, घर में खिलाते रह गए नहीं खाई और अभी भी ट्रेन में बैठते ही इसको ठूसना है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं सब खा रही हूं। सो गाइस यहां पर पतिदेव आ चुके हैं बच्चों को वॉशरूम करा करके, इसलिए करा दिया ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो। और आप इनका फेस देख सकते हो कितना, मतलब ये थोड़ा उदास हो गए थे क्योंकि अकेले इनको रहना पड़ रहा था इसीलिए। और हो ही जाता है फैमिली बच्चों के साथ रहने के बाद, थोड़ा सा तो इमोशनल हो ही जाते हैं। और यहाँ पर पतिदेव उतर गए थे क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग हो गई थी। और मेरा बेटा यहाँ पर खा रहा है कुरकुरे और देख सकते हो मैंने यहाँ पर आलता लगाया हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि बेटी जब भी मायके या ससुराल से आती जाती है तो लगाना पड़ता है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी हम लोग बस अब पहुँचने वाले हैं। तो अभी हम फ्रेश हो गए हैं, बहुत अच्छे से दीदा, काफी अच्छा सफर रहा। तो आयु भी उठ चुका है, आयु से गुड मॉर्निंग। इधर आराध्या, गुड मॉर्निंग गाइस। सो हे गाइस, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि फर्स्ट एसी का टूर हमारा कैसा रहा और कैसा होता है फर्स्ट एसी। तो हम भी फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि किस तरह से होता है और कैसे कोचेज होते हैं इसमें। तो चलिए आप लोगों को बाहर से दिखा के लाते हैं। सो गाइज इस तरह से घुसते ही ना कॉरिडोर टाइप का बना हुआ है, मतलब एकदम छोटी सी पतली सी गैलरी टाइप की है और सबके कैबिन्स बने हुए हैं जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। है कोच, तो इस तरह से रहता है गैलरी टाइप का पूरा। और यहाँ दोनों बच्चे निकल गए मेरे, तो स्लाइड करो, स्लाइड करके दिखाओ। तो इसमें स्लाइड वाला गेट है, चलो। सो गाइज स्लाइड करके अंदर आते हैं तो देख सकते हैं एक ऊपर है सीट और सीट काफ़ी बड़ी है और इधर से साइड से सीढ़ी है चढ़ने के लिए, तो आराम से कोई भी चढ़ सकता है। और नीचे भी सीट है, तो नीचे की भी सीट काफ़ी अच्छी है, बच्चे के साथ हम आराम से सो सकते हैं। तो और इधर यहाँ पर दिया हुआ है, आप सामान वगैरह बैग वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ है मिरर, इधर आपका लाइट वगैरह का स्विच दिया हुआ है और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये देख सकते हैं बेल दिया है अलार्म, ये बजा के आप बुला सकते हैं जो भी यहाँ पर स्टाफ वगैरह हैं आ जाएंगे। और डस्टबिन है और नीचे में मैंने सामान वगैरह रखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है गाइस। और अंदर से आप देख सकते हैं, अंदर से इसमें चुल्ली है, ये बंद कर लीजिए। तो और वहाँ पे 3 हैंगर भी है, ये बंद करने के बाद ना आप बिल्कुल सेफ हैं, आप आराम से। तो अकेले अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, बच्चों के साथ बहुत डर लगता है अकेले ट्रैवल करने में, तो अकेले ट्रैवल करना है तो फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड भी हमको अकेले भेजते हैं, ऐसे अकेले कभी हम नहीं गए हैं।
तो हमको कोई भी जरा सा भी दिक्कत नहीं हुआ, आराम से हम पहुंचने वाले हैं भागलपुर। तब हम अभी बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि रात में मेरा मन ही नहीं किया वीडियो बनाने का। तो गाइज आपको कैसी लगी ये वाली वीडियो बताइएगा जरूर। और अभी हम पहुंचने वाले हैं, मेरा भाई स्टेशन पे आने वाला है लेने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले थे कहलगांव, और यहां से ना बहुत सारी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कहलगांव से ही मैंने अपनी प्लस टू की पढ़ाई पूरी की है केंद्रीय विद्यालय से। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर फिर से रुक करके। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि कहलगांव से ज़्यादा देर नहीं लगता है, आधा पौने घंटा मुश्किल से लगता है भागलपुर पहुँचने के लिए। सो गाइज फाइनली आई हैव रीच्ड भागलपुर, और आप मेरी वॉइस ओवर से ही पता लगा सकते हो कि मैं कितनी खुश हूँ। किसी भी लड़की से अगर आप पूछोगे ना कि सबसे ज़्यादा उसे खुशी कब होती है, जब वो अपने मायके जाती है, चाहे वो ससुराल में कितना ही खुश क्यों ना हो। और भाई आ गया था लेने, तो हम लोग जा रहे हैं पार्किंग एरिया में, कार लगी थी। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं अपना स्मार्ट सिटी भागलपुर में, और देख सकते हैं भागलपुर पहुँचते ही मेरे चेहरे की चमकान और मुस्कान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। सो पति देव प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा इतना हंसने के लिए, क्योंकि अपने घर आने की खुशी में हम थोड़ा बहुत तो आपको भूल ही गए। सो गाइज अपने डॉक्टर भाई को कुली बनाने का घमंड है, और यहाँ पर ये सामान रख रहा है, बाद में वीडियो देखेगा तो हमको मारेगा पकड़ के। और इसके बाद हम लोग चल दिए घर की तरफ। सो गाइज अपने भाई के साथ मस्त गाने पे ट्यून करते करते हम लोग जा रहे थे अपने घर। ये है फेमस तिलका मांझी चौक, और जब अपने जानी पहचानी गलियों से हम गुजरते हैं ना, तो दिल में एक अलग ही सुकून मिलता है। कब बातें करते करते हम अपने घर की गलियों में पहुंच गए पता ही नहीं चला। और ये हमारे घर का मंदिर जो आपने देखा अभी, तो बहुत सुंदर मंदिर है, कभी हुआ तो मैं वहाँ के भी दर्शन कराऊँगी। और देखिए बातों बातों में पहुँच गए हम अपने घर। घर पहुँचते ही यहाँ माता श्री कर रही हैं पूजा, सबसे पहले उनका आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर मम्मी देखिए मुझे सिंदूर ठेका रही है। हमारे यहाँ है रीति रिवाज की, जब भी लड़की मायके या ससुराल आती है ना, तो सिंदूर ठेकाया जाता है। और बस यहाँ पर हम दोनों माँ बेटी कर रहे हैं अपना मिलन। और मम्मी को आज ऑफिस भी जाना था, इसलिए सवेरे सवेरे मम्मी जल्दी से पूजा कर रही है। और उसके बाद बच्चे भी अपने नानी से मिलके काफ़ी खुश हो गए थे गाइज, आप लोग देख ही सकते हो। मम्मी यहाँ पर जा चुकी थी ऑफिस, और मैं चली गई थी फ्रेश होने, क्योंकि ना मेरा भी सर पूरा भारी लग रहा था। तो मैं यहाँ पर नहा धो के फ्रेश हो गई और फिर आ गई मम्मी के मंदिर में। देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर मम्मी सजाई है, और मैंने भी यहाँ पे पूजा आरती की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी पूजा आरती संपन्न हो गई, और यहाँ मैं दे रही हूँ आयु और आराध्या को दोनों को आरती। सो गाइस हो गया है मेरा पूजा पाठ, और अब मैं खाना खाऊंगी। और आज मेरी मम्मी इस ऑफिस चली गई है, क्योंकि मंडे से छुट्टी ली है। तो चलिए आपको दिखाते कि मम्मी क्या क्या बनाई है मेरे आने की खुशी में। तो चलिए, बहुत तेज़ भूख भी लगी है, और बजने वाले 11, पूजा करते करते लेट हो गया, क्योंकि आने के बाद ना हम सब बैठ के गपशप में लग गए, इसलिए लेट हो गया। तो गाइस खाने में है इधर चावल गरम गरम। सो गाइस देखिए इधर है दाल, फिर इधर है चना की सब्जी, इधर है कड़ी पकौड़ा, और इसमें क्या है, इसमें है परोल का सब्जी, और इस साइड है चोखा। इतना कुछ बना करके मम्मी चली गई है ऑफिस, और देख सकते हैं एक बच्चा यहाँ टीवी देख रहा है, और एक बच्ची यहाँ सो गई है, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा, हरासमेंट तो हो ही जाता है। सो गाइज अब मम्मी के हाथ का ये बना खाना देखने के बाद तो हम रुक नहीं सकते थे, तो हम बैठ गए खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बना था, टॉप ऑफ द वर्ल्ड स्वाद है मम्मी के हाथ में। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन डू लाइक सर सब्सक्राइब।